तो चलिए आपको लेके चलते हैं गोभी मंचूरियन बनाने की तरफ, जो कि बनाने में इजी है और खाने में टेस्टी बहुत है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद जरूर आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन के अंदर पानी रखा है थोड़ा, ताकि हम गोभी को पानी के अंदर से निकाल लेंगे। यानी मैंने गोभी को बॉयल नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हमने गर्म पानी में से गोभी को निकालना है ताकि गोभी हमारी बिल्कुल साफ हो जाए, उसके बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाए। ये जरूरी है, ये प्रोसेस जरूर करना आपने। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक भी डाला है। आप देख रहे हैं कि पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे गोभी। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट हम बीच में रखेंगे। मैंने इसे पूरा 2 मिनट भी नहीं रखा, 1 मिनट मैंने रखा है और इसको हम ड्रेन कर देंगे, यानी इसके पानी को हम निकाल देंगे। गोभी को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लिया है काली मिर्च। इसे हम कोट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि मसाले जो हैं पूरी तरह से गोभी के अंदर कोट हो जाएं। बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 चम्मच मैं डालूंगी मैदा। हाथ से इसे मैं कोट कर लेती हूँ। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोभी जो है अपना ही पानी छोड़ देती है। अगर आपको लगे कि कोई सूखा है तो आप बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे पानी की नेसेसिटी नहीं लग रही। हाथ से मैंने इसलिए इसे मिक्स किया ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। और गोभी के फूल जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं रखने, थोड़े छोटे ही रखने हैं जैसे आप देख रहे हैं। और गोभी को बॉयल नहीं करना, बॉयल करने से गोभी जब हम खाते हैं ना तो उसका अंदर से टेस्ट अच्छा नहीं आता। ऊपर से गोभी क्रिस्पी लगती है और अंदर से बहुत गली गली लगती है, तो इतनी सॉफ्ट फिर अच्छी नहीं लगती मंचूरियन के अंदर। आप देख रहे हैं बिना पानी डाले ही पूरी तरह से ये कोट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने रखा है फ्राई करने के लिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। 1-1 फूल हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम हम कर देंगे मीडियम ताकि गोभी जो है अंदर से पूरी तरह से पक जाए। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि गोभी डालने के बाद एकदम से इसे हिलाना नहीं है, क्योंकि इसकी कोटिंग जो है वो उतरनी शुरू हो जाती है। इस तरह से थोड़ा सा इसको पकने दें, उसके बाद इसको हिलाएं। गोभी हमारी फ्राई होनी शुरू हो गई है, तो मैं आप देख रहे हैं फोक के साथ इसे देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा क्रिस्प हो गया है गोभी जो है, अच्छी क्रिस्पी हो गई है। और इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोभी को मैंने पूरी तरह से फ्राई कर दिया और बहुत ही क्रिस्पी ये गोभी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, आपको आवाज से पता चल रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई को हमने गैस पे रखा है, मैं यही तेल डाल रही हूँ जिस तेल के अंदर मैंने फ्राई किया है ना, वो गर्म तेल है, उसी के अंदर मैं डाल लेती हूँ। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक। इसे मैंने चॉप कर लिया है, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं और थोड़ा सा अदरक है। हल्का हल्का इसको हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यही मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च मैंने लंबी काटी है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे बारीक काटा है मैंने। अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को भी। प्याज और लहसुन हमारा भुना जा चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च ली हैं जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम मैंने लो कर दी है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सॉसेस, जिसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ शेजवान चटनी। आपके पास अगर रेड चिली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये डाली है। ये ग्रीन चटनी यानी ग्रीन चिली सॉस, इसके अंदर मैं डालूँगी सोया सॉस, फिर 1 से 2 चम्मच वाइट विनेगर, कुछ इसको स्वीट फ्लेवर देने के लिए डालेंगे टमाटो केचप। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने फ्लेवर के मुताबिक, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप टमाटो सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आप तीखा खाते हैं तो आप जो चिली सॉस है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट करके, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है उसे आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे कुछ मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है, मैंने थोड़ी सी टमाटो सॉस जो है वो ज़्यादा डाली है। थोड़ा सा इसको पकने दें। ये मैंने थोड़े से पानी के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, छोटा चम्मच ही मैंने ये चम्मच ही लिया है, और इसे डाल देंगे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। बिल्कुल हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। वैसे मैं ग्रेवी वाली नहीं बना रही, ड्राई बना रही हूँ, लेकिन हल्का सा पानी डाला है ताकि मसाला जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाए। एकदम सूखा सूखा लग रहा था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गोभी जो फ्राई करके रखी है, मिक्स कर देंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, उसका एक कारण है गोभी के अंदर ऑलरेडी नमक है और सॉसेस जो है ऑलरेडी नमकीन होती हैं, तो नमक एनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। अगर आप नमक डालोगे तो कड़वा सा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा गोभी मंचूरियन जो है बनके तैयार है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी हरा धनिया, अगर ग्रीन अनियन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं,
और ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसे एक बाउल में डाल के सर्व करते हैं। मेरा आपको बहुत पसंद आएगी, आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा देख के, क्योंकि इजी भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत लगती है। आप इसे ट्राई जरूर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन ना आने का यही कारण है कि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया जाता। उसे प्रेस करें ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।